हमारे होम टाउन में खुला है नया नया डोमिनोज। अब खुला है होम टाउन में तो जाना तो बनता ही है, एक्साइटेड तो काफी है। होम ट्यूशन पढ़ा के मेरे भाई के साथ प्लान है, बस निकलना है। बहुत भीड़ है, इतना भीड़ है, कितना सब भीड़ है, क्या करेगा अमित? एक्साइटेड है, मन लायक नहीं मिला। एक्सपेक्टेशन कैसा है, टेस्ट कैसा रहेगा? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जीरो बटा सन्नाटा। हम लोग का मन था गार्लिक ब्रेड खाने का, है ना? हम लोग का मन पे पनीर टिक्का वाला। हाँ, पनीर टिक्का वाला। ओपनिंग कीजिए सर। ब्रेक टू ईट, इसलिए थोड़े पड़े। अब तुमको लोग जज करेंगे अमित, ऊपर से सॉस डाला है ना। जज क्या करेंगे? टेस्ट करके बताओ कैसा है। कैसा है टेस्ट? दम है। गूगल पिक्सल ही है। बताइए मिस्टर विशाल कुमार, कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? टेस्ट में तो बहुत मजेदार है, 10 out of 10 मजा आ गया, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। अरे सुन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ, रुक के दिखाता हूँ मौसम कैसा किए हुए। अभी घने घने बादल और हल्की हल्की बारिश हो रही है, और हवा तो इतनी मस्त चल रही है कि पूछो मत। तो कर रहा है 2-4 घंटा और नींद मार लो। है मेरी माँ का बर्थडे। मेरा तो मन था माँ को डोमिनोज ले जाने का, बट माँ का कहना है कि जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तब तक नो पार्टी। तो सोचे हैं होम ट्यूशन सब पढ़ा कर शाम में मम्मी की फेवरेट मिठाइयाँ लेते आएंगे। गिफ्ट भी रेडी है, रुकिए आप लोगों को दिखाता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तब पापा हर गर्मी की छुट्टी में एक न्यू स्टेट घुमाने के लिए ले जाकर जाते थे, तो वही फ़ोटो फ्रेम करवा कर मैं सोचा हूँ मम्मी को गिफ्ट करूँगा न्यू दिल्ली का। केक लाया है, क्योंकि बात सिर्फ मिठाई की हुई थी। अब रात को 12 बजे मैं मम्मी को सरप्राइज करूंगा। अभी बज रहे रात के 12, पता नहीं इतना रात में मम्मी को उठाना सही रहेगा भी या नहीं, कल मम्मी को ड्यूटी भी जाना है। एक बार मतलब एक दो बार बोल के देखेंगे, अगर उठ गई तो ठीक है, वरना कल सुबह ही फिर डिस्टर्ब करेंगे। मम्मी सोई हुई है गहरी नींद से, तो अब ज़्यादा मतलब उठाना ठीक लगा नहीं, तो अब मम्मी काटेगी कल केक सुबह सुबह। आज के लिए गुड नाइट।
आज मुझे करना है फुल डे ब्लॉग, मतलब रीजन तो आपको आगे जाकर पता चलेगा, अभी जाकर फ्रेश हो जाता हूँ। मैं हो गया हूँ फ्रेश, अब मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर मंदिर निकलता हूँ। पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गया। जी हाँ, बता दूँ मेरा आज जन्मदिन है, शुक्रिया। अब नाश्ता सब करके पढ़ाई कंप्लीट करने जाएंगे। कुछ टॉपिक में है जिसमें दिक्कत आ रही है। नाश्ता सब कंप्लीट हो गया है, मुझे SLCM के ICDR और LODR टॉपिक में बहुत दिक्कत हो रही है, तो सोचा एक बार अमित टल्डा सर की लेक्चर देख लेता हूँ, हो सकता है जो मतलब क्वेश्चन सब रहे मन में वो क्लियर हो जाए। पढ़ाई सब हो गया, एक नींद सो भी लिए, लंच भी कर लिए, अब होम ट्यूशन जाने की बारी। चॉकलेट से अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना पेंसिल ले लूँ, कम से कम कुछ काम तो आएगा, चॉकलेट तो और उल्टा नुकसान ही करता है। कुल्लो दीदी, कुल्लो लो। अभी जस्ट मैं होम ट्यूशन पढ़ा कर आया और पढ़ने ही बैठने वाला था कि मम्मी का जिद है कि जाओ केक लेके आओ, अब निकलना पड़ रहा है केक लाने के लिए तुरंत। यही जल्लाद सब है गाइस, देखिए पकड़ लिया गाड़ी सहित, अब मांग रहा है पार्टी। देखिए चाबी भी ले लिया है गाइस। ऐसा जी बोल देंगे ब्लॉग फिर अपलोड नहीं होगा, म्यूट कर देगा। क्या चाहिए विपुल बोलो? फैमिली ब्लॉग नहीं देगा, लगातार शुरू हो जाएंगे। पार्टी चाहिए विपुल? आपका इच्छा। क्या विपुल ड्राई ड्राई खाएगा? हम खाएंगे वो मसाला, क्या बोलता है उसको? पनीर चिली ड्राई दे दीजिए, विपुल एज ए नॉन वेजिटेरियन क्या हम पनीर में हाथ मार सकते हैं कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग चिकन में भी मार सकता है। अरे चौमिन इधर कर। अभी बज रहे रात के 10:30 और अभी जाके सब कुछ खत्म हुआ है। अभी मुझे वीडियो एडिट भी करना है, शॉर्ट्स भी अपलोड करना है, GST का लेक्चर भी देखना है और सेल्फ स्टडी भी करना है। समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।